सामान्य अस्पताल गोहाना से वीरवार की रात 1.25 साल की बच्ची का अज्ञात महिला द्वारा अपहरण किए जाने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए गोहाना के कबीर बस्ती निवासी आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। आज एएसपी निकिता खट्टर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कल गोहाना के सिविल अस्पताल से जिस 1.25 साल की लड़की का अपहरण किया गया था उसे पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए CIA गोहाना द्वारा 18 घंटे से भी कम समय में बरामद कर लिया गया है। 18 घंटे से भी कम समय में बरामद करके जो दो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ममता उर्फ सुमन, श्याम सुंदर उर्फ सुरेंद्र ये दोनों हाल में ठस्का रोड कबीर बस्ती में रह रहे थे, इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया है। ये बच्ची को बेचने की फिराक में थे। ये दोनों आरोपी मूल रूप से रोहतक के रहने वाले हैं और यहाँ पर लिव इन में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में इतना पता चला है, बाकी ज्यादा बैकग्राउंड आरोपियों की पूछताछ के बाद पता चलेगी। कल रात में सिविल अस्पताल गोहाना से एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 1 साल 2 महीने थी उसका अपहरण हुआ था सिविल अस्पताल से ही। वो अपनी रिलेटिव के साथ बैठी हुई थी, तभी एक औरत आई थी और वो बच्ची को उठाकर लेकर चली गई थी और उसका अपहरण किया था। इसमें हमें जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई, पुलिस एक्टिवेट हो गई और CIA गोहाना की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए 18 घंटों से कम में जो छोटी बच्ची है जिसका अपहरण हुआ था उसको बरामद किया है और साथ ही साथ जो दो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। जो आरोपी हैं एक ममता उर्फ सुमन और श्याम सुंदर उर्फ सुरेंद्र, ये दोनों हाल में ठस्का रोड में कबीर बस्ती में रह रहे हैं और इनको वहीं से ही गिरफ्तार किया है। ये बच्ची को बेचने के फिराक में थे और इन ये रहने वाले रोहतक के हैं। ये पति पत्नी मतलब इनकी पहले भी एक शादी हुई हुई है, दोनों की सेकंड मैरिज है और अभी ये रिलेशन में थे। अभी हमारी प्रारंभिक जांच में बाकी इनके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ की जाएगी। एज ऑफ नाउ अभी तक इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है। प्रथम पूछताछ से ये निकल कर आया है कि जो ये आदमी सुरेंद्र है ये पहले एक बाबा हुआ करता था, उसके बाद उसने छोड़ दिया और एक ड्राइवर का काम कर रहा था बट पैसे नहीं बन पा रहे थे तो इन्होंने बच्ची को बेचने का इनका प्लान था। ये प्रारंभिक पूछताछ में निकल कर आ रहा है, रिमांड में और डिटेल्ड में पूछताछ की जाएगी। जगत महान न्यूज से गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।